गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का विषय हिंदी पढ़ेंगे। पाठ 5.1 और पाठ का नाम है ये जिंदगी फिर चमक जाए। यह एक पद्यांश है। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। झन बैठ भाव खेती में कर, मन के भूस निकाल फेंक। हसो कोठियाओ जुन मिलके, सुनता के रद्दा झंझे का। गोठियाया कलो लग जाए, सुनवैया सबो गदग जाए। जिंदगी भर से रोना धोना, लिखे कावर लोना पोना। जाना है दुनिया ने सबला, कावर करथस जादू टोना। हुरहा मन मिले झक जाए, हड़िया कस भात खतक जाए। यह कविता छत्तीसगढ़ी भाषा में है। इसका संदर्भ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश भगवती लाल सेन द्वारा रचित कविता ये जिंदगी फिर चमक जाए से लिया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि इस पद्यांश में कवि ने मनुष्यों को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहिए, इसका संदेश दिया है। अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि धान की फसल करने से, अनाज और अधिक मात्रा में उपजाने से हमारे जिंदगी का जीवन और भी बदल जाएगा। झन बैर भाव खेती में कर, मन के भुस निकाल के। खेती करने के लिए, काम करने के लिए कोई भेदभाव नहीं करो। मन में जितना भी संदेह है, शंका है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। हसा उठियावा जुल मिल के, सुनता की रद्दा झन फेंको। कई कहते हैं कि सबसे हंसी मजाक प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यह शांति और खुशहाली जीवन का प्रतीक है। इसमें कोई बाधा उत्पन्न मत करो। गुठैया घलो ललक जाए, सुनैया सबो ददक जाए। कवि कहते हैं कि हमें दूसरों से इस प्रकार बात करनी चाहिए कि बात करने वाला भी तत्पर हो या ललायत हो उठे और सुनने वाले का मन भी अति प्रसन्न हो जाए। जिंदगी भर से ही रोना धोना, लिखे कावर रोना धोना। जिंदगी भर में उतार चढ़ाव तो आते रहते, कभी दुख कभी सुख तो आता रहता है। इस बात को मत छेड़ो क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। हमें अगर फसल भाग्य में लिखा है कि खेती करना है तो हमें वह फसल काटना ही होगा। जाना है दुनिया ने सबला, कावर करथर जादू टोना। इस दुनिया से हर एक प्राणी को जाना होगा क्योंकि जीवन नश्वर है। इसलिए इसमें जादू टोना करने की कोई बात नहीं है क्योंकि सभी प्राणियों को इस दुनिया से एक दिन नहीं दिन जाना है। हुरहा मन मिले झक जाए, हड़िया कस भात खदक जाए। हुरहा मतलब अचानक और हड़िया मतलब चावल पकाने का एक बर्तन जिसे हांडी कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि अचानक हमारा मन दूसरे के मन से अगर मिल जाता है, हमारा विचार हमारी भावनाएं एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इतना आनंदित आता है जिस प्रकार पका हुआ चावल का वह बर्तन जिसमें चावल बनाया जाता है, जिसे हड़िया मतलब हांडी कहा जाता है, वह हांडी में पका हुआ चावल कितना सुंदर दिखता है। तो कवि कहते हैं कि एक दूसरे के मेल मिलाप से, हमारी भावना हमारे विचार हमारे मन के मिलने से इतना आनंदित आता है, इतना खुशी होती है जितना कि पके हुए चावल को देखना। ये आपका पहला भाग हुआ है। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।